हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जांपलर एक्सरसाइज 12.1। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ सिलिंड्रिकल पेंसिल इज शार्पनड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और चार इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम ये पेंसिल है, ये शार्पनड है, तो इसमें हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है। एक तो यहां से देखें तो यहां से लेके यहां तक ये कोन शेप है, ये कोन है, और ये वाला सिलिंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अ कोन एंड अ सिलेंडर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ। अब सुराही इस शेप में होती है, ये नेक है इसकी, तो इस नेक में ये क्या है, ऊपर की साइड में ये सिलिंड्रिकल, ये ऊपर की साइड क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, और नीचे जो है स्फेरिकल शेप है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर, माने ये गोला और बेलन, स्फीयर एंड अ सिलेंडर, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ प्लम्ब लाइन यानी साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी फिगर 12.2। तो ये सी फिगर है, और इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो कोन है। तो इसमें क्या होगा, हेमिस्फीयर एंड कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर। ये टम्बलर यानी ये इस टाइप का ग्लास बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से टम्बलर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये पूरा अगर हम नीचे तक मिला दें इसको ऐसे, तो ये क्या होगा, कोन होता पूरा, या इधर ऊपर की साइड में ऐसा करते हैं तब भी कोन बन जाएगा। तो कोन का ये पार्ट हट गया तो बाकी क्या बचता है, फ्रस्टम बचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या है ये, किस शेप में है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, करेक्ट। इस तरह से अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम। गिल्ली डंडा गेम होता है, और उसमें गिल्ली का शेप ऐसा होता है, कॉर्नर पे ये नुकीली होती है और बीच में सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका। तो अब इसमें साफ साफ हम देख पा रहे हैं ये किसका कॉम्बिनेशन है। देखिए इधर एक कोन है इतना पार्ट, और ये इस साइड में कोन है, यानी दो दो कोन हो गए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कोन ये और एक कोन ये, और ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि ये टू कोन्स एंड अ सिलेंडर, टू कोन्स एंड अ सिलेंडर, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए शटल है, शटल कॉक। सो अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर शटल कॉक का ये जो नीचे का ये वाला जो पोर्शन है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेयर की तरह का है, और ये फ्रस्टम जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऊपर की साइड में हमें दिख रहा है और हेमिस्फीयर दिख रहा है नीचे की साइड में। सो अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको फ्रस्टम को हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन एमसीक्यू, देखिए अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड देन द कोन इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ दैट प्लेन इज रिमूव्ड। अब वो कह रहा कि इस तरह से इसको काटा गया प्लेन पैरेलल में, और काट के और जो कोन था ना, ये कोन वाला पोर्शन है, इसको रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो अब क्या बचता है, ये नीचे वाला पोर्शन बचता है, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का ए हो जाएगा, अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है, ये सैंपल क्वेश्चन 1 है, इसको भी देख लीजिए आप। ये एक फनल है, इस तरह से ये फनल बनी हुई डायग्राम,
फनल है, और इसमें ये किसकी कॉम्बिनेशन है, तो देखिए यहाँ पे जो हम नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं ये सिलिंड्रिकल है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये फ्रस्टम की शेप में है। तो इसका एट का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर। तो ये फ्रस्टम वाला पार्ट है ऊपर वाला, और ये नीचे सिलेंडर वाला पार्ट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ सम्स हैं, और वो आप ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अ मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द कोन इज। सो हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये यहाँ पे हमने डायग्राम में क्लियर किया हुआ है कि इस तरह से एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, मतलब खोखला है ये अंदर से, तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम एक बात नोट कर लें, क्या कि इंटरनल डायमीटर जो है, इंटरनल डायमीटर कितना है 4 है, तो इंटरनल डायमीटर को हम लिख लेते हैं, यानी इसको अगर हम इंटरनल डायमीटर को R1 मान लें तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, और डायमीटर इसका क्या है 4, यानी 4/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया R1। इसी तरह हम R2, तो R2 क्या है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे हम, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो R1 R2 मिल गया। अच्छा दूसरा क्या है, वो कह रहा कि इस तरह के जो स्फेरिकल शेल है इसको मेल्ट करके और इससे क्या करा गया, इसका कोन बनाया गया, कोन बनाया गया, तो कोन के फॉर्म में बनाया गया। तो देखिए मेल्ट करके जब कोई भी शेप चेंज किया जाता है सो वॉल्यूम विल नेवर चेंज, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, क्योंकि स्फेरिकल शेल से हम मेल्ट करके वॉल्यूम वो किसको बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, या वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल 4/3 पाई और विद इन ब्रैकेट R2 होल क्यूब माइनस R1 होल क्यूब, क्योंकि ये हमने एक्सटर्नल वाले को R2 लिया है, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल को हमने R2 लिया है। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है 1/3, तो सबसे पहले हम 1/3 लिख देते हैं इनटू, अब पाई को पाई ही लिख देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स क्या है उधर भी पाई आएगा तो ये पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, सो 1/3 इनटू पाई और इनटू आर स्क्वायर। अब देखिए आर यहां पे क्या है, ये देख लीजिए आर का अपन ने लिखा नहीं है अभी, बेस ऑफ डायमीटर ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम आर मान लेते हैं, उसको हमने R1 R2 माना, इसको हम आर मान लेते हैं। सो रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, डायमीटर का जस्ट हाफ होगा, यानी 8/2 यानी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 टाइम्स लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इनटू, और वो कह रहा हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड करनी है, तो हाइट को हम लिख देते हैं एच, ठीक है, इस तरह से हम एच लिख देते हैं इज इक्वल टू। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला क्या है, ये होलो है तो इसका है 4/3 और अपॉन में सॉरी इनटू पाई और यहां पे ब्रैकेट में R2 का होल क्यूब, तो अब R2 का होल क्यूब, R2 कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 का होल क्यूब कर देते हैं यहां पे, 4 का को क्यूब, 4 का क्यूब कर दिया और माइनस R1 का क्यूब, यानी R1 कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 2 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 का क्यूब, यहां पे अंदर लिख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा ये इसको एरेज कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं, तो ये हो गया 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो अब इससे देखिए ये एक तो पाई से पाई कट गया, और ये 3 नीचे है और ये भी 3 नीचे है, तो ये कट गया,
ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं आगे, तो ये 4 इंटू 4 हम जैसा करता चले देते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू एच और इज इक्वल टू 4 इंटू, और यहां पे 4 का क्यूब करा तो 4 4 16, 16 4 64, तो यहां पे 64 64 और माइनस 2 टू द 4 टू द 8, 64 माइनस 8। अब देखिए यहां पे 4 से 4 हम काट देते हैं, यहीं पे काट देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब क्या बचा यहां पे, 4h बचा हमारे पास, 4 into h और 64 में से 8 गया, तो हमारे पास क्या बचा, 56 बचा, 56 बचा, तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 बंदा 4 और यहां पे काट देते हैं 4 बंदा 4, 4 4 16, यानी हाइट हमारी आ गई कितनी, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर में डिटेल में भी आ सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, और इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है, अ सॉलिड प्लेस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें भी वही किया हुआ है, क्या किया है कि एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड को के डायमेंशन को मोल्ड किया गया और इसको इससे सॉलिड स्फीयर बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसको मेल्ट करके या मोल्ड करके कोई भी जब शेप चेंज करते हैं तो इसका वॉल्यूम विल नेवर चेंज, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जैसा कि आपको पता ही है एल इंटू बी इंटू एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अब इसमें हम डायरेक्ट ही इसमें लिख देते हैं, सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी एल इंटू बी इंटू एच, तो एल बी एच डायमेंशन हमें दी हुई है, तो इनको डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे 49 into 33 into 24 is equal to volume of sphere, so 4/3 into pi, pi की वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो ये 22/7 आ जाएगा, और यहां पे r क्यूब यानी r की हमें क्या करना है, स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर निकालनी है, तो हम इसको r को हमें फाइंड करना है, तो यहां पे लिख देते हैं r क्यूब, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें इसकी निकालनी है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पहले तो हम इसको काट देते हैं 11 से काट देते हैं, 11 3 33 और 11 2 दा, ठीक है ये कट गया। अब इसके बाद में अब यहाँ पे अब तो ऊपर का कुछ कट नहीं रहा है, तो हम इसको क्रॉस में करके कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 4 इंटू 2 है, अब 4 से ये कट रहा है, हालांकि ये इसको काट लेते हैं, चलिए 4 बंदा 4 और 4 6 24, ये कट गया, ठीक है। अच्छा अब इससे भी कट जाएगा ये 2 बंदा 2 और 2 3 6, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 49 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये सब एक साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा एक ही साथ चला जाएगा, तो 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये हो जाएगा एक साथ, तो इसको क्यों ना हम ऐसे लिख लें, 49 को लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू, अब ये वाला 3 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 7 और इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसके फैक्टर्स क्यों बना लिए, क्योंकि क्यूब रूट लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे क्यूब है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यूब रूट लेना होगा, और क्यूब रूट के लिए हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, तो ये 7 7 और 7, यानी इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये 7 आएगा, 3 बार है एक बार लिखेंगे, और इंटू 3 3 3 ये भी 3 बार है तो ये एक बार आएगा, तो 7 × 3 इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स आर यानी रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।